की उन्हें अपराधी जीवन से संबंधित चमड़े स्लोगन कराकर जब बात परिवर्तन महाराज Yeah.
वही कथा भी बोल कोनो कोनो दिन हमरा समय के लिए गुरु मार्ग पर चलते हैं जब महाराज का कोट तो लीला हो जाए Thank you.
हरे कृष्णा, आप लोगों ने श्रवण किया जब मुक्त महापुरुष इस जगत में आते हैं, देखने में हम जैसे होने पर भी लगने पर भी हम जैसे नहीं है। श्री औरंगजेब एक आर्टिकल में लिखा, जैसे जब कृष्णा आते हैं ऐसे सब लोग चले जाते हैं, ऐसे हमारे गुरुवर्ग जो अतिमत्त चरित्र मुक्त महापुरुष वो लोग भी जैसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं। तो ये हम शरीर देखते समाधि देते हैं वो क्या है, यदि हम ईश्वरी साइड में चले गए तो हम जो समाधि देते हैं ये क्या चीज है। तब परमदेव लेख ने बताया, जैसे सांप है, सांप पकड़कर केचुल छोड़ता है, केचुल देखने में सांप जैसा है लेकिन सांप नहीं है, ऐसे ही मुक्त महापुरुष साधकों के शिष्यों को अनुयायियों को कल्याण के लिए ऐसे शरीर छोड़कर के केचुल जैसा अपने स्वशरीर चले जाते हैं। ये परम गुरुदेव दो यत्न टीका में लेख में दिया है। अब मैं स्थिति श्री श्री सुमरण करता हूँ, श्री भक्त श्री सिद्धांत जी से वचन में पुष्पांजलि प्रदान करें। एक आंख बंद करके
हम लोगों के गड़बड़ी आंखों से हमारी बुद्धि की जो भ्रम है ये आंखों से क्यों हमारे आंखों में शुद्ध नहीं है। शुद्धि भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा यथा यथा आत्मा परिवृत्यते असो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभि जितने परिमाण में हृदय परिमार्जित होगा उतने परिमाण में यह आंख भी निर्मल होगा। इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए, गुरु वैष्णवों का दर्शन हो जाए। जब इन आंखों में मैल अपन तो नहीं हो ये छूट जाए, कोई क्रोध लेकर के कोई काम लेकर के कोई लोभ तो कोई मोह कोई क्रोध कोई अहंकार अभिमान कोई ईर्ष्या हिंसा इसको आंखों में बैठा करके दुनिया को देख रहे। इसलिए उनके नजरों में वही आता है। श्री उन्होंने 33 मंत्रों का बैठा करके दिखाया कि आंखों को बंद करो कान को बंद करो और सीधी बात सुनो और बोला कि गुरु जी बोलते थे बोले बंगाल प्रचार में जाते हो देखो तुम लोग घर घर में जाते हो बंगालियों के घर में मछली बनता है वो रसोई बनाते हैं कहीं घर में तो कहीं आंगन में भी बना रहे और जाते ही एकदम नजर में आएगा वो लोग मछली खाते हैं किसी को देख करके बुरा ना समझना बुरा ना देखना और बोलना नहीं थूकना भी नहीं घृणा नहीं करना उनका भोजन है वो खाना जो वो समझेंगे तब उसको भी छोड़ दो तुम नहीं खाते हो इसलिए दूसरों को घृणा नहीं करना गाली नहीं देना बोलना सबकी मर्यादा रखना वाली तो चलने फिरने जीवन में हमारे लिए तीन चीज की आवश्यकता है। उन्होंने ये शिक्षा दी और इन तीन पर कंट्रोल होगा तो जीवन में सब कुछ हो जाएगा। वेदांत के जो व्याख्यान दी है गोविंद भाष्यम की रचना हुई और उसका प्रकाशन करके सिद्धांत में परिपक्व किया कि गौड़ी वैष्णव रखना चाहिए। सिद्धांत जो हुआ प्रतिष्ठित इसलिए वेदांत सूत्र के जो 12 सूत्र मुख्य होता है अर्थात तो ब्रह्म जी के जन्मा दस्त शास्त्र जोड़ित हुआ तत्व समन्वया इच्छते न शब्द लोक से नात्म शब्द यत वचना गति सामान्य सात्वया आनंदमय अभ्यास विकासे न ही तत्प्राचुर्य बोले वेदांत को जानना अति आवश्यक है और सिद्धांत रत्नम को पढ़ना अति आवश्यक। इसलिए हमारे गुरु वर्ग का एक एक वैशिष्ट श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और नैव प्रस्थान इन तीनों पर यदि दखल हो तब वक्ता माना जाएगा तब बोलने वाला माना जाएगा नहीं तो बोलने वाला नहीं है। गप सप कहने वाले भक्त बनने वाले ऐसे कितने मिल जाएंगे शास्त्रों के विद्वान होना पड़ेगा। तो इसलिए
श्रीमद् भागवत से जो सिद्धांत मारा थे इस वेदांत की स्थापना के विचार इन वेदांत सूत्रों में क्या होता है अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा जब संसार की जिज्ञासा पूरी हो जाए माया का थप्पड़ लग जाए कि संसार असार है तब गुरु के पास में जाए जो गुरु ज्ञानी होगी भजन के अनुभवी हो और परमार्थ का अनुभव हुआ ऐसे गुरु के पास में जाए क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे हुआ है वही है प्रभु फिर आदि रस अर्थात श्रृंगार रस के श्रृंगार रस राजमय भगवान श्री हरि उनके जो रस विलास माधुर्य जिन तत्वों में प्रवेश करना बड़ा दुरूह उन सभी को श्रद्धे उपासना कैसी हो बोले तम रसे तम जरे तम भजे रस उपासना वेदांत इसलिए इन वेदांत में रस का विवेचन करते हुए इसको प्रकाशन दूसरे और मावा थ्योरी को खंडन शून्यवाद भोगवाद और मायावाद इन सब को निरस्त करते हुए सिद्धांत के द्वारा परिवर्तित शास्त्र ही हमारा प्रमाण है शास्त्रों के आधार पर जिसमें ब्रह्म प्रमाण करना पाठ विप्रलेपसा ये सब नहीं जो विशुद्ध परंपरा में भागवत परंपरा के आधार पर महान अनुभवी आचार्यों के द्वारा सिद्ध किए प्रमाण बहुत शास्त्र के द्वारा प्रमाणित इस प्रकार भक्त सिद्धार्थ द्वारा उन्होंने शास्त्रों का प्रतिपादन करते हुए जो कि एक शास्त्र युक्ति के द्वारा निर्णय होगा विषय संशय पूर्व पक्ष मीमांसा फिर सिद्धांत में स्थिर तो इस प्रकार शास्त्र युक्ति प्रमाण के द्वारा मंथन करके एक सिद्धांत को स्थिर किया इस प्रकार उनका कहना उनके आज उनके जो विचार वैशिष्ट है उसमें उन्होंने व्यक्त किया गति सामान्य सामान्य रूप से भाव के द्वारा जब हृदय को विषय छोड़ करके शुद्ध हो जाए अब भाव के द्वारा भगवान में समर्पित हो सामान्य रूप से सबको परम गति मिलती भागवत में जैसे नारद जी ने कहा भजन तो कर रहे भले 10 जन्म 20 जन्म लाखों जन्म कर ले कोई बात जब तक आवेश नहीं होता है तब तक भजन इसलिए भजन कैसे हो आवेश हो हम देखते हैं हमारे श्री ब्रह्म की भोर में उठ करके 3 बजे देखता है कि अरे राम और बरांडा में घूमते हुए बड़े आवेश के साथ मुझे भी आक्षेप होता है अफसोस होता है देखो भाई उनसे कम इनके अंदर में कितनी भजन निष्ठा है तो ये सब कैसे आएगा पहले गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास दृढ़ निष्ठा और सेवा की भावना अत श्री कृष्ण नामादि न भवे राज्य मंत्री सेवन मुखे ही
वादम स्वयं एक स्फुरत कदम। हम भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें क्लांति हो रही है, थकान अनुभव हो रहा है, और माला कवि रखते हैं कर लिया जब परंतु स्फूर्ति नहीं। जब सत स्फूर्त होगा, हिदायत से निकलेगा, तब सैकड़ों प्रकार से हम कैसे सेवा करें। आप गुरु जी के निमित्त इसका अनुभव होगा, और भगवान का भजन कैसे होगा जब विरह की अनुमति होगी, तब भगवान का भजन होगा, नहीं तो कोई विरह का अनुभव नहीं हुआ। तो कहां भजन है? भागवती में जितना भी प्रसंग आया, बड़े बड़े उपाख्यानों में अंत में एक सार निष्कर्ष लिखा, समंजसत्वा विरहयोगकांक्षे, कि हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे विरह की अनुभूति कि हम तुमसे दूर, गुरु से आज हम दूर, भगवान से दूर, अपने विचारों में खो रहे, अपनी भावना के दौड़ में दौड़ रहे, गुरु जी की इच्छा में हमने तो इच्छा मिलाया नहीं। जब यही पर परीक्षा में हम फेल कर गए, पास नहीं हो पाए, वहां क्या होगा? इसलिए गुरु वर्ग बड़े खड़े थे। कब जैसे हमारे सुंदर महाराज जी उस स्वामी महाराज जी की बात कर रहे थे कि कौन से रस में है, क्या है, बड़ा तर्क वितर्क होता है। मैंने जीवन में गुरु जी के साथ स्वामी महाराज जी को एक साल तक दर्शन किया, और प्रतिदिन क्या करता था, दलिया बना करके, नहीं तो खिचड़ी बना करके ले जाता, और उनका जो स्पेशल लाल कार था, लाल कार था, उस कार में हम लोग घूमते थे, क्योंकि गुरु जी को लेने के लिए वो कार रोज दिन मथुरा पहुंचता था, और एक मिनी बस जाता था बीच बीच में ब्रह्मचारियों को लेने के लिए, उसमें से गुरु जी के कार में है, तो उसमें क्या था, प्रभुपाद जी के कार में गुरु जी वारंटी बैठते थे, और मैं और सुखानंद महाराज वो जाकर के अली भाई से स्वामी महाराज जी को प्रसाद कर, मैं प्रसाद बना के ले जाता था, मेरे बार बनाते थे सब, तो वहां प्रसाद गुरु जी वहां बैठ करके खूब बात करते थे साल भर ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक चले गए, जो कुछ भी हुआ उसके अंदर हम नहीं जाते हैं, परंतु उस समय हम लोग रहे और समाधि में गए, परिक्रमा में सुना है स्वामी महाराज पहले राधा कृष्ण की लीला कथाओं को खूब कहा करते थे, विदेशों में जाकर शिष्य वर्ग भी खूब सुनते रहे। वृंदावन मठ में आकर के कुछ लोग मंदिर के पीछे की तरफ पुरुष महिला सब एक साथ नाचने लगे, बोले कि ये राज होगा, अरे भाई भगवान ने राज करता है, चलो हम भी राज करें। जब स्वामी महाराज ने इस बात को सुना, सुनते ही इतना बिगड़ गए, बोले ए बदमाश क्या कर रहे हो, भगवान राज ले जाए तुम भी राज करता। तब से बड़े कड़े बने गए, बंद करके शास्त्रों की कथा, हरि कथा, सब कथा बोल रहे, लीला कथा पर थोड़ा ध्यान दिया, उनको थोड़ा दबाया, बोले नहीं, क्योंकि हम लोग जब मठ में आए शुरू में हमने देखा नवद्वीप में कोई राधे राधे बोलेगा तो महाराज जी भी डांट रहा था, मारते थप्पड़, राधे राधे तुम्हारा खान समा गया राधे राधे, बोले कितनी बार एक साथ और कोई गुरु निष्ठा नहीं, वैष्णव निष्ठा नहीं, सेवा का सेवा की निष्ठा नहीं, बड़ी बड़ी बात कोई दशम स्कंद लेकर के पढ़ नहीं सकता, चैतन्य चैतावित भी पढ़ते थे सब लोग, जो रसमय प्रसंग है ऐसे
हम लोग भी शुरू शुरू में पढ़ते थे तो बोले कि भाई छोड़ करके पढ़ो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। तो ऐसे खड़ा किया कोई ऊंचा कोई ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते थे। एक बार सिरु मंदिर ही पढ़ो सही पढ़ो मुझे बहुत अच्छा लगता गाने लगा और महारथी ऊपर से आ रहे प्रवचन के लिए उन्होंने सुन लिया तो कीर्तन तो समाप्त हो गया। उस समय आ गए अतः बोले कौन कीर्तन के बोले इसलिए उस समय दूजी बिगड़ गए बोले गए बोलते हम नहीं जानते थे ये मुक्त महापुरुष है कोई भगवान है
जब पता चला तब इनके जवन को बनाते हैं। इनका चरित्र कुछ दास गोस्वामी के चरित्र से मिलता जुलता है। जैसे दास गोस्वामी को उनके माँ बाबा चाचा चाची जाने नहीं देते थे, कहीं भी जाने पर पकड़ के ले आते थे, फिर जैसे तैसे निकल के चले गए। ऐसे श्री सिद्धांत महाराज जी जब मठ में आए फिर उनको वापिस जाना पड़ा, लोग पकड़ के ले गए, अब चोटी काट दिया, माला तोड़ दिया। जैसे महाप्रभु ने कहा अंतरे कर निष्ठा पाई ये लोक व्यवहार, अचिराय अचिराते कृष्ण तो भाई को दिव्य उद्धार। पहले पहले तो मठवासी के साथ जोग दिया, जब देखा घर वाले विरोधता है, ये है ले गए दोबारा, पुलिस के साथ बेकार है, मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, नहीं चोटी नहीं रखूंगा, माला नहीं रखूंगा, सब तोड़ दिया। क्यों? दूसरे को ठगने के लिए, पता ना चले कि अंतर में उनका निष्ठा बढ़ रही है। और वो स्कूल के और अपने कॉलेज के वो लीडर थे। जब मठ में आ गए, प्रचार में गए, उनका शिक्षक का नाम था सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, बांग्लादेश में प्रचार चल रहा था, उनको बोलने को कहा तो बंगला में रामकृष्ण देव विवेकानंद का बहुत प्रचार है, विवेकानंद को विवेकानंद बता दिया, बहुत पावड़ा हो गया, समापन हो गया। अब प्रभुपाल के पास टेलीग्राम आया, सिद्धेश्वर प्रसाद को पूरा बिगड़ दिया, ऐसे से बोला। प्रभुपाल ने बताया सिद्धेश्वर मेरा लाख रुपया का प्रचार कर दिया, मैं आता हूँ, कोई चिंता नहीं है। प्रभुपाल आए और एस्टैब्लिश कर दिया, जो बोला है ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं बता रहा था माला ये सब तोड़ दिया, बड़े सब बेकार है, धीरे निष्ठा बढ़ा के सोचे कैसे भागू कैसे भागू। जैसे दास गोस्वामी को अपने गुरु जी आके निकाल के ले गए, ऐसे ही सिद्धेश्वर ब्रह्मचारी सिद्धांत महाराज ने अपने माँ बाप से कहा, बहुत दिन हो गया मैं अपनी बड़ी बहन के घर गया नहीं, चलो इच्छा थी मैं देख के आऊं, हाँ हाँ जाओ कोई चिंता नहीं, ऐसे तो संग में गार्ड निकला जा नहीं सकते। अरे बहन के घर जा रहे वो सोचेगा कि ऐसे भागेगा, कुछ महीना हो भी गया कोई चिंता ही नहीं है, सब कैसे चीज है, साथ में गार्ड के हिला गए। कैसे गए? बस सीधा मायापुर, मैं दो दिन चार दिन में आएगा, दो दिन चार दिन पांच सात दिन बीत गया, पता क्या बोली तो दासी थी वो आया ही नहीं, तब पता चला कहाँ उठा थे, क्यों वापिस गए थे। मठ में देखा सब बहुत बहुत बड़े दिग्दान है, बोले मैं इतना कम लिखा पड़ा हूँ चलेगा नहीं, आके लॉक किया, तब फिर गए दोबारा। अब परम गुरु के साथ उनका बहुत हिद्दता था। एक बार दोनों गए कलकत्ता बाजार में, कलकत्ता में अब दो बोरा हुआ, एक छोटा एक बड़ा, परम गुरुदेव कहते हैं मैं बड़ा भाई मैं बड़ा लूंगा तुम छोटा छोटा लो। तो महाराज जी कह रहे नहीं नहीं आप मेरे बड़े भाई गुरुजन है, वही ला दोबारा उनको समझा बुझा करके लाए थे, इसलिए बहुत सम्मान करते थे, पर नहीं आप मेरे बड़े भाई गुरुजन है, मेरे घर का बड़े नहीं ले सकते, मैं बड़ा बड़ा लूंगा आप छोटा लीजिए, आप बड़ा को लेगा उसमें खिंचाता नहीं चल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जी चुराने के लिए हम छोटे ले लेते, पहले लोग अभी क्या कर रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, आखिर में परम गुरुदेव का हर शिकार करना पड़ा, वो जो लेके चले। महाराज जी बता रहे थे ये श्रुति प्रस्थान विष्णुदेव का नए प्रस्थान, तीनों के ऊपर लोग उनका प्रकाश किया, टीका के साथ श्रुति प्रस्थान अर्थात गीता, स्मृति प्रस्थान भागवत और नए प्रस्थान उपनिषद वेदांत सूत्र। ये वेदांत सूत्र ये गोविंद भाष्य श्री सिद्धार्थ महाराज पहले किसी ने नहीं किया, उसके बाद में श्री गुरुदेव हिंदी में काम पूरा करके गए। और जो उपनिषद है ईश्वर के नाम पर तो इतने इतने सब महाराज ने प्रकाश किया है और गीता का। और महाराज जी एक वैशिष्ट है, कभी अधिक मठ बनाने के ऊपर जोर नहीं दिया, वो बेहद विजन के ऊपर जोर दिया, तो मठ सब नष्ट हो जाएगा, ग्रंथ नष्ट नहीं होगा,
इसलिए अधिक मठ न बना करके जो है उसको शुष्क रूप में परिचालना करो और ग्रंथे पर जल दिया। और एक उनके वैशिष्ट है, जितने मठ में डायग्राम देख रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु की लीला, श्री रामलीला, कृष्ण लीला, लोकोत्तरा, वृंदावन, इधर नवद्वीप, विभिन्न मठों में सबसे पहले उन्होंने चालू किया, इससे पहले कोई चालू नहीं किया। और एक उनका देखता हूँ जो कृष्ण के रासलीला है, ये कृष्ण का काम दिया लीला है, उसमें ये दिखाया रथ बनाया, चोरी गोपी मनोरथे मन मथे मत मथे रामधनी मदन मोहन, ये दिखाया एक रथ बनाया, गोपिया रथ बनी हुई उस पर कृष्ण चढ़े हैं, ये भी दिखाया। अब मैं श्री सिद्धार्थ से अनुरोध करता हूँ उनके जीवन चरित्र शिक्षा के संबंध में आलोचना, मैं भी उनका दर्शन किया इधर जा करके। एक एक कथा बोले थी, काल थे क्या मते बात क्या अपना शुरू हो गए, वृंदावन एक बार अनेक ऐसे थे যারা এখন টিকিট করেন নি, টিকিট না থাকলে বাসে আপনারা যেতে পারবেন না, আর কতজনই বা অধিক বেড়েছে যদি আমরা না জানি বাসের ব্যবস্থা করবে কি করে, অবশ্যই টিকিট আজকে করে নি। আর আরেকটা কথা, যারা পয়সা জমা দিয়ে টিকিট নেন নাই, আজকে জলখাবারের পরে টিকিট নিয়ে নিবেন, তাহলে বিনা টিকিটে বাসে উঠতে দিবে না, এই জন্য আজ অবশ্যই জলখাবারের পরে নিয়ে নিবেন। আজকে দীঘা তিনটার সময় সকলকে কাপড় এবং শাড়ি দেওয়া হবে, যারা কেবল নিষ্ঠার টিকিট আছে তারাই পাবে, অন্য কেউ পাবে না, এই জন্য টিকিট যাতে তাড়াতাড়ি করে দিন। নাট্য মন্দিরে মেঘা তিনের সময় আসলে এখানে দেওয়া হবে, সবাই সবাই লাইন কার্ড নিয়ে লাইন দিয়ে আসবে, দেওয়া হবে। সো ফর্ম টু বলো উই হ্যাভ পাস দে টিকিট আপনি আনতে হবে, উই হ্যাভ টু রেজিস্টার দিয়ে হাউ উই রিকোয়েস্ট ইউ অল প্লিজ টু রেজিস্ট্রেশন without registration, how I can, how we can know how many bus ticket? And this is not Parikrama of Gautam Maharaj, not Tirtha Maharaj, not Siddhar Maharaj, not Van Maharaj, not Parikrama of Gurudev, Parikrama Brajamandal. So we have to participate, each and every one. So who has got registered here, please do registration. Now Mr. Siddhar Maharaj is speaking about the glory and teachings of Siddhar Bhakti Sri Siddhar Dhinu Swami Maharaj, Hare Krishna. ओम ज्ञानिनाम तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चतुर्विधं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः गुरुदेवाय धीमते सर्वमते श्री श्रीपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभुमाने श्री कृष्ण चैतन्य माई भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निजानंद श्री अद्वैत सनातन श्री अवतारी गौर भक्त बनिया बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे गुरु जी की चरण में इतने देर क्यों है, वो कहते थे
जब श्री कृष्ण इसी जगत में आए उसी समय मैं भी था, जब राम आए तभी मैं भी था, जब श्री महाप्रभु आए तो तभी भी मैं था, जब सड़क स्वामी आए बोले तभी भी मैं था। लेकिन हम जो इसी संसार में ना संसार दावा ललीन लोगों, ये संसार के दावा में जो जन्म जन्मांतर से हम जो भटक रहे हैं, कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी काटने के कीड़े, ऐसे जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी छोटी पकड़ कर दी, ये संसार से हमें कोई नहीं निकाला। निकाले थे कौन हमें निकाला, कहते हमारे गुरुपाद पद्मी इस संसार से हमें निकाले थी गुरुदेव। इसलिए हम लोग सबके सब गुरु जी के चरण में, हम सबके सब ऋणी हैं गुरु जी के चरण में। इसलिए आप लोग ने अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया है, कहते हमारे श्री गुरुपाद पद्मी पूर्व बंगाल में जन्म हुए हैं। बोले पूर्व बंगाल में इतने महापुरुष दिखाई पड़ता है हमारे गुरु वर्ग भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज और जितने पिछले सब महाराज सब पूर्व बंगाल में बाबू को सफल क्यों। कहते श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत छोड़ करके गए अपना प्रेम को उन्होंने पद्मा नदी में रख देते हैं। बोले मैं जाने का बाद एक महापुरुष इस जगत में आएगा और मैं जो तेरे को पास में प्रेम दे करके जा रहा हूँ ये प्रेम उन्हें दे देना। बोले मुझे पता नहीं चलेगा। बोले उनका चरण स्पर्श होते ही वो पानी अपने आप तो उभरने लग जाएगा, तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रेम उभरने लग जाएगी। तो पता चलना यही श्री नरसिंहदास ठाकुर जब उनका चरण स्पर्श से वो पानी अपने आप उभरने लग गया, उसी समय एक हवा बह गई। वो हवा जिस तरफ में गया यह हवा कत केवल उसी तरफ से ही पूर्व भाग में सब जगह से वक्त भी बन गए, दूसरे दूसरे जगह पर नास्तिक लोग हैं। लेकिन वहां के लोग कहते हैं वो हवा जिस तरफ में बहते हुए चला गया कहते हमारे जीवन में गुरु वर्ग को कुछ डर होता है, पूर्व भाग का सब तरफ से लोग नहीं आते तो उसी तरफ से आए। इसका मतलब महाप्रभु का जो प्रेम है वो जिस 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 देश में चला गया वहां के सब उसका वातावरण संपूर्ण अलग हो गया और उधर से ही हमारे जीवन में गुरु वर्ग सबके सब वो उधर से आए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी ये पूर्व काल में गए, इसलिए उसको दूसरे वृंदावन मानी जाती है। हमारे गुरुदेव कहते थे जब कोई संत होकर प्रचार करने आते थे वहां के स्त्रियों को अंदर में इतने भक्ति वो जितने दूर से आते उतना के तो नया कपड़ा पहना देते थे, हर हर घर से वृंदा का संत का करताल निकाल करके शंख बजाया करते थे और वैष्णव का चरण धो करके कपड़े से पैर नहीं पूछते थे, कपड़े से नहीं अपना केसों से, मतलब वैष्णव का प्रति इनकी इतनी श्रद्धा अपना अपना केसों से वैष्णव का चरण पूछा करते थे। इतने भक्ति लोग करते थे, इतने भक्ति पूर्व काल में। इसलिए हमारे गुरुदेव भी उसी तरह से ही हमारे गुरुदेव आए। आप लोगों ने श्रवण किया जिस समय भारत के स्वामी महाराज प्रचार करके गए थे, जब वो प्रचार कर रहे थे और संतों का प्रति वैष्णव का प्रति विशेष भावना है, उसी समय मेरे गुरुदेव एक कॉलेज का मेरे गुरुदेव लीडर थे, वहां पर एक विवेकानंद का पार्टी थी जिसमें लीडर हमारे उस समय की विवेकानंद को सबसे बड़े साधु मानी जाती है। विवेकानंद को उसका पार्टी का लीडर थे, किसी ने आकर के मेरे गुरु जी को बताया बिल्कुल संत लोग आए प्रचार करने के लिए, कीर्तन बड़े सुंदर करते हैं, नहीं कथा नृत्य कीर्तन करते क्या बुलाए, जरूर बुलाओ। कलयुग में उन्होंने भारती गोस्वामी महाराज ने बुलाए, भारत महाराज गीता का ऊपर उन्होंने क्लास दिया है, केवल एक श्लोक को उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत सभा मामकः पांडवस्य किम् अपूर्वं संजय, केवल एक श्लोक को उन्होंने एक घंटा तक उन्होंने व्याख्या की, अद्भुत व्याख्या की। फिर उसके बाद में गोपीनाथ मम निवेदन सुन, ये जो कीर्तन है उन्होंने कीर्तन किया और जैसे हम यहाँ पर नृत्य कीर्तन कहते हैं ना वृंदा करताल लेकर के और भारत महाराज आप लोग देखेंगे कितने लंबे चौड़े
जब सबके साथ खड़े होते थे उसके ऊपर में एक हाथ इतने लंबे चौड़े थे, जब उन्होंने नृत्य कीर्तन ब्रह्मचारियों को साथ में किया, मेरे गुरु ने तथा और संतों का दर्श है उनका कीर्तन और नृत्य, मेरे गुरुदेव कहते हैं इतने सब चीज को देख करके ना मैं तो सारे संतों के चरण में लूट गया, बोले और मैं घर नहीं जाऊंगा, हम तो इसे साधुओं के साथ में हम साधु बन के हम चले जाएंगे। गुरुदेव कहते किसी तरह से मैं नहीं है, मेरा मन प्राण जीते तो वही सब चोर ले लिया, मैं किसी तरह से घर में गया, किसी तरह से रात को बिताया, मैं साधु के पास में आ गया और देखा वहां पर साधु लोग बैठे हैं। अब प्रभुपाद का समय में आप देखते हो देखे होंगे बोले दर्शन है पवित्र कर शरीर हमारा, प्रभुपाद का जितने कार्य नहीं इतने सुंदर शरीर लंबी चौड़ी इतने सुंदर सा आपका तो सारे संत लोग बैठे हुए, मैं तो देख करके मैं तो बोलना चाह रहा हूँ मेरे क्या साथ मिले चलोगे, लेकिन भाई हिम्मत नहीं भाई साथ को बोलोगे, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े साथ मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, यहाँ पर कोई छोटे बड़े कोई बच्चे क्या गए जिसको मैं कुछ बता सकूँ, वो जैसे जैसे तो देख रहे हर कार समझ गए क्योंकि बच्चों को पकड़ने के लिए आते हो ना, हाँ छेले धरा छेले धरा के आते बच्चों को धरे के लिए आते हो समझ गए, ये कुछ बताना चाहते हो कुछ चाहते हो, उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था बोले हाँ इसको कुछ बताना चाहता हूँ, बोले जानते कि क्या बोलना चाहते हो, गुरुदेव ने कहा मेरी इच्छा है आप लोगों को साथ में आप जैसे साधु बनके आपको साथ में जाने के लिए क्या आपके साथ में ले चलोगे, बोले क्यों नहीं ले चले हम ले चले, तब हर जगह हमारा जो पास मिलाए तो जरूर ले चले, लेकिन उस समय हमारे गुरुदेव वो जमींदार थे बच्चे हैं, लेकिन जब हमारे गुरुदेव साधु बनने के लिए बोले और साधु बनना चाह और साधु के पास में आए उन्होंने क्या किया पुलिस में रिपोर्ट कर दिया ये साधु लोगों ने मेरे बच्चों को बहका करके ब्रेन वॉश करके इनको बहका करके मेरे बच्चों को साधु बनाने ले जा रहा है, हैं अभी वहां पर जैसे नदी पार होकर के आना पड़ेगा हमको कलकत्ता में, इतने में जब नदी पार होने जा रहे तो वहां पुलिस आ गई और हमारे गुरु जी को जोर जबरदस्ती पकड़ करके और गुरु जी रोते 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 पुलिस को जोर जबरदस्ती पकड़ करके, अभी महात्मा बोल रहे थे ना एक रघुनाथ गोस्वामी जैसे इतना चैत्य है पेशाब करने के लिए एक बैठना करने गए कार है स्वयं घर क्योंकि वो जमीदार घर के बच्चे थे हैं बहुत पैसा वाला घर के बच्चे थे, किसी तरह से उसको तो वहां से निकल नहीं दे रहे किसी तरह से, गुरुदेव ने देखा यही से करने से काम नहीं चलेगा, मेरे कुछ बाधा बना गला से कटी उतार दिया छोटी कार के लिए चुटकुले की बाबा को कहाँ से आ गए मुझे खराब कर दिया, ये सब बेकार लोग थे, लोग तो सोचे बच्चा अच्छा हो गया ये बच्चा अच्छा हो गया है क्यों कठिन जाते हैं छोटी काट के अच्छा हो गया, लेकिन ज्यादा बुरा हुआ भी होता है हैं इतने में बोले सर बड़े दिन से आपका बैंक क्यों नहीं लग गया, क्योंकि वो घर में घर से बाहर जाने नहीं दिया करते थे घर से कभी, इसलिए बड़े दिन हो गया नहीं गए नहीं थोड़ा बहन के घर जाना चाहते थे, कोई अच्छी बात क्या बात बहन का बात का नाम बनाए और सीधा प्रभुपाद का बात बनाए, कलकत्ता में आगे सीखा आ करके उन्होंने हमारे गुरुदेव ने हैं कहते जो हरि कथा जो बोलते थे इसलिए प्रभुपाद इनकी विद्वता में संतुष्ट होकर के हर ब्रह्मचर्य संन्यास को जो पाद दिए थे, हमारा गुरु जी का उपाधि दिया था विद्या बागी बागी से मतलब होते सरस्वती, कहते विद्या की जो दूसरे सरस्वती है कई से उनका नाम विद्या बागी से उन्होंने नाम दिया, और हमारे गुरुदेव हम लोगों ने श्रवण किया जिस समय उन्होंने किसी महाराज को साथ में नहीं मारा था प्रचार गए उनके साथ में प्रचार करने के लिए गए और प्रचार करने के लिए गए तो उनको गुरुदेव को बोले तुम कुछ हरि कथा बोलो, उन्होंने हरि कथा जो बोले हे भगवान को क्या भिक्षा मिलेगा ईट पत्थर और जूते पहनने लगे, बोले बाबा को कहाँ से आ गए, क्यों उसी समय बंगाल में जो राम कृष्ण को ही भगवान मानते हैं जय राम सही कृष्ण यही जो राम कृष्ण जो राम वही कृष्ण हाँ वही राम कृष्ण मिश्र करके कलयुग में ये राम कृष्ण रूप में आया है ये साक्षात कृष्ण है हैं, और वहां पर जो विवेकानंद को उसी समय कि उन्होंने सीता को गए थे उन्होंने केवल जीरो को ऊपर में उन्होंने जो क्लास अंग्रेजी भाषा में दिया उसमें अंग्रेजी बोलना इतना साधारण बात नहीं था, उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा बोली
इसलिए विवेकानंद को दुनिया के सबसे बड़े साधु ये विवेकानंद को बोलते थे। गुरुदेव तो बोले ये विवेकानंद नहीं, कहते ये विवेकानंद और बेकुबानंद है, ये मूर्खानंद है। राम कृष्ण को बोल दिए बलिए मूर्ख पुजारी राम छागल है, इनको बकरी बोल दिए इनको। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किया जिसे शब्द सुन करके ईट पत्थर जूते मारने लगे, बलिए कौड़ी बढ़ने वाले आ गए, ये सर्व हिंदू के सबको निंदा करने वाले। इतने में ही जो नेमी महाराज प्रभुपाद के पास में पत्र लिखे, ये जो सिद्ध स्वरूप ने सारे प्रचार को उसने बिगाड़ दिया, सारे प्रचार है बिगाड़ दिया, कोई विद्या विद्या नहीं दे रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे बात बताई, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए। बोले सिद्ध स्वरूप ने उसी समय लाख रुपया के साधारण बात नहीं, बल्कि लाख रुपया उसने प्रचार का काम किया। प्रभुपाद कहते हैं मेरी जो प्रचार है, मेरे जो बात है, अगर आप लोग मेरे बात को सुनोगे ना तुमको कोई विद्या नहीं देगा। तुम लोग मेरे बात को 25% तुम्हारा बात को 75% बोलते हो कभी कुछ विद्या देता है। अगर मेरे बात को ये सिद्ध स्वरूप ने पूरा मेरे बात को पूरा से पूरा मेरे बात को बताया, इसमें लाख रुपया भी उसने प्रचार किया है। इसलिए हमें सत्य बात हमें बोलनी चाहिए, सत्य अप्रिय होने पर भी क्या सत्यम ब्रुवात प्रियं ब्रुवात प्रियं ब्रुवात मां ब्रुया मां ब्रुया असत्यम प्रियं असत्य असत्य सत्यम अप्रियं असत्यम अप्रियं, ये शास्त्र का वाक्य है। मतलब आप सत्य बात बोलो भले ही प्रिय क्यों नहीं हो, हैं दवा जैसे कल वाले पेट में जाएगा तो जरूर काम करेगा। तो सत्य बात को बोलनी चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति अगर सत्य बात को समझ करके शुद्ध भक्ति करेगा एक व्यक्ति कल्याण होगा। अगर तुमने उल्टा पुल्टा सारा दुनिया लोगों का प्रिय मन जैसे चाहता है ऐसे अगर बात बोलोगे किसका भी कल्याण होने वाले नहीं। गुरुदेव प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद ने दोबारा फिर उन्होंने जितने लोगों को फिर बुलाया, सबके सब आओ ये बच्चा ऐसे क्यों बोला। फिर गुरुदेव को खड़े नहीं बोले सिद्ध स्वरूप ये बताओ तुमने ये बात क्यों बताए, क्योंकि पहले मेरे गुरुदेव पहले ये विवेकानंद लीडर थे, विवेकानंद पार्टी का लीडर थे, इसलिए उनको सारे फिलोसफी को पता था और रामकृष्ण का सारे फिलोसफी पता था। लेकिन जब उनने प्रभुपाद जो पास में आए उन्होंने देखा है कि सारी फिलोसफी, क्योंकि विवेकानंद ने ये बताए गीता पढ़ने का जरूरत नहीं, गीता पढ़ने से क्या होता है, जाकर के मैदान में फुटबॉल खेलो, शरीर को सुस्त रखो, शरीर सुस्त रहेगा तो पास में कुछ होगा। इसलिए तुलसी पीठ में पानी देते क्या होगा पता है, पानी देना तो बैगन का बैठ में पानी दो जिसमें फल आएगा, ये सब क्या फिलोसफी है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बोले आप लोग तो सारे सारे हिंदू हो, हिंदू का जो मूल ग्रंथ भगवद गीता है, ये भगवद गीता पढ़ना पढ़ना छोड़ कर फुटबॉल खेले, और जो तुलसी है आत्मा को पूर्ण शांति कैसे मिलेगा, जब संपूर्ण रूप में हम भगवत चरण में शरणागत होकर के प्रभु को भक्ति करेंगे, बोले तत् प्रसादात् प्राप्त शांति, भगवत कृपा से ही शांति मिलेगी। इसलिए तुलसी जी लिखा भगवत भक्त करने वाले और भक्ति को छोड़कर बैगन के पेड़ में पानी देने से तब तक तो बैगन पेड़ में रहेगा, दो घंटे बाद फिर भूख मिलने लग जाएगी, जन्म जन्मांतर से खा रहे पैदा करने जा रहा है। इसलिए बल्कि जितने बात उन्होंने बताया ना सब गलत बात बताए। अब श्री कृष्ण जो रामकृष्ण मिशन बोले मुर्गा मिशन है, ये रामकृष्ण मिशन भी ये मुर्गा मिशन है, क्योंकि यहाँ पर मुर्गा खाते हैं वो लोग, लेकिन ऊपर क्या बोलते जीवे दया बोलते जीवे दया करे दे ईश्वर से जन से दी ईश्वर बहुत रुपए तथा पूरी चीज जीवन प्रेम करे जे ईश्वर। कहती है रामकृष्ण का ये फिलोसफी है, और भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, इसे भगवान नहीं समझ रहे, सामने तो ढूंढ रहे हो भगवान, भगवान को कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, हैं? इसलिए जत्र जीव तत्र स्थिर है, जितना जीव स्थिर है, इसलिए तेरे नारायण को नारायण ढूंढने बता रहे, नर नारायण है, और उनका फिलोसफी जो कुछ क्यों नहीं करो, सब के सब एक जगह पर जाओ।
सिद्धस्वरूप ब्रह्मचर्य बताया कि जीवे प्रेम करने पर ईश्वर सेवा होगा, तो तुम मछली क्यों खाते हो? तो जीव है, मुर्गा क्यों खाते हो? उसको प्रेम करो। और एक बाघ भी तो जीव है, उनके जाके आलिंगन करो, उनका प्रेम नहीं करते हो, क्यों उनको मारते हो? क्यों मछली को मारते हो? सब प्रेम करो। इसलिए उन्होंने और उनका जो फिलोसफी है, कहते नर ही नारायण है, दुर्दर्भ का नर नारायण है। शास्त्र ने बताया ब्रह्म रुद्रादि देवतई समत्वेन विशते सब पाषण्डे भवे ध्रुव। कहते जीव की बात ही छोड़ दो, जो ब्रह्मा शंकर जी को साथ में भगवान को एक कहते पाखंडी है, वो पाखंडी है, और नार को नारायण कह रहे हो। कहा नारायण ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्य समग्र जसस्त्रीय ज्ञान वैराग्य सैव सरनाम कवैतिकना भगवान को ये सर्व ऐश्वर्य का मालिक बताए। और कहा जी ये संसार में कर्म फल का अधीन होकर के संसार में दर दर भटक रहा है, दुखी पा रहा है, आप उसको बोलते नर नारायण है? ये कितना बड़ा अपराध इसको मान गया जीव को भगवान साथ प्राप्त करना। और उनका फिलोसफी जो कुछ क्यों नहीं करोगे और उसने बताया था दरिद्र नारायण सेवा, नारायण कैसे दरिद्र हो जाएंगे? जिनकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, और उस नारायण को बोल रहे दरिद्र नारायण, दरिद्र कैसे हो जाएंगे? उससे बड़ा धनी कौन होगा? ये साधारण जनता को बोलते दरिद्र नारायण, बोले ये दरिद्र नारायण हम दरिद्र नहीं हो सकते हैं। सब लोग लक्ष्मी के लिए तड़पते हैं, लक्ष्मी जिनकी सेवा करते हैं, जिनकी पत्नी है, हो जाएंगे दरिद्र? ये साधारण मनुष्य को नारायण बोल रहे हो और ये उपासना करने पर जरूर हो जाएगा। जीव सेवा करने जीव पर जाएगा, लेकिन आप ब्रह्म भुवन लता मुद्रा करते न अर्जुन उनको पुण्य समाप्त करने पर फिर पतन होता है, लेकिन मां भगवत रूप से लेकिन भगवत आराधना करने पर भगवत लोक में जा जाने पर जीव कभी वापस नहीं आता है मां से है। इसलिए आप कैसे बता दिया जो जो कुछ कर एक जगह जो चोरी करेगा एक जगह में, जो डकैती करेगा एक जगह में, जो गद्दा काम करके एग्जाम में जो अच्छा करके एग्जाम में ये की क्वेश्चन उन्होंने और उन्होंने ये बताया सब बराबर एक है। तब उन्होंने उदाहरण क्या दिया, जब प्लेन में हम उड़ कर ऊपर जाते हैं ना, हम ऊपर से नीचे देखो पासों में एक दिखे सब एक दिखेगा सब बराबर है। गुरुदेव ने बताया सब बराबर है नीचे, तो जो ऊपर जाते हो सब बराबर देखते हो, मतलब क्या कि सब बराबर हो गया? तो तुम्हारी दृष्टि शक्ति की कम है, तुम्हारे आंख में दृष्टि नहीं है, ऊपर चले गए इसलिए देख नहीं पा रहे हो सब सब बराबर नहीं। इस बात नहीं, ऊपर जाने पर सब बराबर दिखता, मतलब सब बराबर नहीं हो गए, देखने पर अपना दृष्टि शक्ति अभाव। उन्होंने ऐसे ऐसे गीता भागवत पुराण से उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने गुरुदेव ऐसे ऐसे उनकी कथा सुनाया ना, उनकी सारे फिलोसफी को उन्होंने काट दिया सारे फिलोसफी को। जब उन्होंने इस बात को बताया सब लोग समझता व्यक्ति गीता सुने गीता भागवत रामायण पढ़ने वाले ये तो बात सही बता रहे। फिर वहाँ के बहुत सारे व्यक्ति प्रभुपाद का चरण आश्रय किए, मतलब शिक्षा देते हैं सच बोलो, ऐसे नहीं लोग जो चाहते हैं हाँ मीठी मीठी बात बोलने का जरूरत नहीं, सत्य बात बोलो, शास्त्र का बात बोलो। अगर भजन करेगा एक व्यक्ति अगर शुद्ध रूप में भक्ति करेगा तो उसमें लाभ है। और आप लोगों ने श्रवण किया महाराज बताए जो वेदांत सूत्र गोपर में गुरुदेव ने भाष्य किया, यहाँ पर भक्ति गुरुदेव श्रोती गोस्वामी महाराज की बात कहते हैं, बोले जिस समय प्रभुपाद प्रकट थे प्रकट रहते समय भक्ति गुरुदेव श्रोती गोस्वामी महाराज उस समय बहुत विद्वान संस्कृत भाषा विद्वान थे, तो प्रभुपाद ने कभी इनको पास में अपना मन की भावना को प्रकट किया। प्रभुपाद ने कहा देखो अब बताना प्रस्ताव त्रय ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में जब तक किसी संप्रदाय में भाष्य नहीं होता है उनको किसी संप्रदाय में मान ही नहीं जाती। एक सिर्फ एक तो होनी चाहिए भगवद गीता के ऊपर में,
दूसरा उपनिषद और जो तीसरा है कि वेदांत सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, ये तीनों के ऊपर में टीका हो तभी उसको संप्रदाय मान जाते हैं। या कभी जो मायावादी संप्रदाय, जो शंकर संप्रदाय में भी इसको भाष्य है, लेकिन उसको संप्रदाय कोई नहीं मानेगा। इसलिए श्री भाष्य श्री संप्रदाय में, पारिजाति भाष्य विवाद संप्रदाय में, ये सारे भाष्य है, लेकिन हमारे संप्रदाय में किसने भाष्य नहीं लिखा। यद्यपि भक्ति उदय सऊद गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवत आदि रचना की, श्री लक्ष्मी गोस्वामी सर्व संदर्भ पर रचना किया, ये सबके सब भागवत का भाष्य है, लेकिन होने पर भी प्रभुपाद ने कहा, लेकिन अपना संप्रदाय के जो विचार के अनुरूप कोई एक भाष्य होनी चाहिए इन तीनों ग्रंथों के ऊपर है। और कैसे भाष्य होनी चाहिए, प्रभुपाद ने कहा था, देखो महाप्रभु इस जगत में जो आए, इसलिए आए महाप्रभु, वो अनर्पित चरित्रा प्रेम देने के लिए, वो ब्रज प्रेम को देने के लिए, गोपियों की प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जगत में आए। इसलिए हमारे संप्रदाय में ठीक ऐसे भाष्य होनी चाहिए। दूसरे दूसरे संप्रदाय के भाष्य है कहा, दास्य और सख्यता उसको ऊपर नहीं, इसको ऊपर में नहीं भाष्य है, लेकिन जब बोले भक्ति गुरुदेव सर्व गोस्वामी महाराज कहते हैं, मैंने कोशिश किया था प्रभुपाद आदेश को पालन करने के लिए, लेकिन मैंने भी प्रकाश नहीं किया, लेकिन छोटे रूप में ग्रंथ प्रकाश में किया था, लेकिन मेरे को संतोष नहीं था जब प्रभुपाद जो आदेश दिया था, प्रभुपाद को जो इच्छा मैंने पूरी नहीं कर पाया, वो कहते हैं, लेकिन मैंने बाद में सुना ये भक्ति से रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज इसको ऊपर भाष्य कर रहे, वो कह रहे मैं सुन कर मेरे पास गया और सचमुच मैंने देखा, उन्होंने वेदांत सूत्र को अपने चार खंड रूप में प्रकाश कर रहे थे और इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथ चार ग्रंथ को ये प्रकाश कर रहे थे। उसमें जैसे मूल सूत्र उसको से बड़े विद्याभूषण का भाष्य है और उसका टीका है हमारे गुरुदेव सिद्धार्थ का नाम को फिर गुरुदेव ने टीका लिख कर उसका अनुवाद फिर उसको ऊपर में भी अपना व्याख्या दे करके महाराज लिख रहे थे। वो कह रहे हैं मैंने इस चीज को देख करके इतने प्रसन्न हो गया भक्ति उद्धव श्रवण गोस्वामी महाराज कहते जो गुरुदेव श्री चैतन्य मनोविष्ट महाप्रभु का मनोविष्ट फिर प्रभुपाद का जो मनोविष्ट है बोले जिस समय ये ब्रह्मचारी अवस्था में थे प्रभुपाद प्रसन्न होकर के इनकी प्रचार में उन्होंने विद्यावागीश नाम को दिया था। हाँ विद्या में दूसरे सरस्वती है उसी समय तो केवल ये प्रचार में बड़े दुरंधर थे लेकिन उसको बाद में लेकिन जो ग्रंथों के ऊपर जो उन्होंने रचना की वो कहते हैं जैसे तीन मृदंग है एक तो साधारण मृदंग और एक है बृहत मृदंग और तीसरा होता है जीवक मृदंग। वो कहते हैं उसी समय युद्धांतरण ये चीज प्रकाशित नहीं था लेकिन उन्होंने जो ग्रंथों को रचना किया वो कह रहे हैं जगत में सबसे बड़ा दानी किसको कहते हैं इसलिए से राधा रानी कहती है तब जीवना कभी विरीता कर्म सबसे बड़ा दानी है लेकिन बुद्ध श्रोति महाराज कह रहे हैं लेकिन उससे बड़ा दानी कौन है कर जो कथा दान कर तो दानी तो है ही है पर उससे भी बड़ा दानी है ये कथा को चिरकाल के लिए उसको प्रिंटिंग करके ग्रंथ रूप में रख करके जो जाते हैं तो उससे भी बड़ा दानी जो ग्रंथ को रखा करते हैं क्योंकि जो ग्रंथ रूप में जैसे हरि कथा बात जब तक रही नहीं तो प्रचार हो समाप्त हो गया लेकिन बाद में फिर कौन क्या काम करता है ये ग्रंथ बाद में काम करता है। इसलिए जो ग्रंथ के ऊपर में हमारे संप्रदाय विशेषकर तीन व्यक्ति विशेष काम किए एक तो हमारे गुरुजन ने कितने ग्रंथ निकाले देखो पहले तो उन्होंने ग्रंथ निकाले ये वेदांत सूत्र का एक भाग निकाले चार खंड निकाले दूसरी ग्रंथ निकाले जो भगवत गीता गीता के ऊपर में दो टीका उन्होंने निकाले एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका अनुवाद उसको ऊपर टीका है गुरुदेव जी।
किसी बढ़ते विद्याभूषण प्रभुपाद जो टीका है उसका अनुवाद और उसको पर भी टीका लिखे, और जो तीसरा ग्रंथ है कैसे उपनिषद की जो प्रस्ताव त्रय बताया उपनिषद ग्रंथ इसका मूल टीका उसका अनुवाद और उसको पर टीका होने के लिए तीन ग्रंथ। फिर क्या लिखे बोले उद्धव संदेश उद्धव संवाद उद्धव संवाद और उद्धव संवाद को ऊपर उन्होंने हमारे गुरुदेव उसको पर टीका गुरुदेव ने लिखे बोले एक उद्धव संदेश और एक उद्धव संवाद। बोले उद्धव संदेश उद्धव संवाद क्या है बोले उद्धव संदेश उससे कहते हैं कृष्ण जब उद्धव जी को ब्रज में ब्रजवासियों का सांत्वना देने के लिए प्रबल हो गई यानी उद्धव संदेश। बोले उद्धव संवाद क्या बोले कृष्ण जब ये जगत छोड़ करके जा रहे थे उस समय उद्धव जी थे और उद्धव जी प्रार्थना क्या बोले प्रभु आपका नियमों को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण जो अंतिम उपदेश देकर कृष्ण गए उद्धव जी को उद्धव संवाद है गुरुदेव ने ये उद्धव संवाद ग्रंथ उन्होंने टीका रचना की और क्या रचना की बोले महाजन गीत संग्रह कहते दो ग्रंथों ने निकाले महाजन गीत संग्रह उसमें शरणागति है जो भक्ति में शरणागति और कल्याण कल्पत रूप और उसको साथ में फिर दर्पण दास ने दो ग्रंथों को उन्होंने केवल भगवत भजन गीत संग्रह रूप में दो ग्रंथ लिखे लिखे और उसी में हमारे गुरुदेव ने प्रभुपाद का जीवन चरित्र को लिख लिया है। क्या अद्भुत आप लोग कभी उस ग्रंथ को जरूर पढ़ना प्रभुपाद का जो जीवन लिखा है ना एक अलग जीवन उन्होंने दिखाया। गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद उनका अंतरंग उनको एक रूप में जाने लेकिन जो बाहर वाले उनको एक रूप में जाने अद्भुत रूप में लिखा आप लोग पढ़ना कर सकते हो। तो गुरुदेव कहते हैं साधारण लोग उनको क्या जानते थे बल्कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती मतलब उसी समय में इतने विद्वान थे हैं उसी समय जो ज्योतिष विभाग का जो कुछ प्रिंसिपल था प्रभुपाद की उन्होंने ऐसे व्याख्या आयना सब ऊपर में ऐसे व्याख्या की वो प्रिंसिपल चेयर में बैठ बैठ के पेशाब कर टाटी पेशाब कर दिया। इसलिए उसी समय प्रभुपाद की विद्वता को देख करके तथा कथित लोगों ने उनको सरस्वती उपाधि प्रदान कर भक्ति सिद्धांत में वो सरस्वती उपाधि दिया। इसको कौन जानते हैं बल्कि ये साधारण लोग उसको साथ जानते हैं लेकिन उनका अंतरंग लोग कहते उनका अंतरंग लोग उनको क्या जानते हैं तो गुरुदेव कहते हैं वृषभाय नमः सुता दई तानो चरम चरणाश्री करे बिंदु किरण और कणा इसको बाद में हमारे महाराज जी भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज ने ये ग्रंथ बाद में प्रकाशित किया हिंदी में और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। यदि जो बिंदु किरण कणा यही तीन लिए वैष्णव पढ़ा इसका मतलब कहते हैं बोले जब तक आप ये तीनों ग्रंथ नहीं पढ़ोगे आप वैष्णव नहीं बता सकता। गला में कंठी तिलक धारण करने से कहते हैं कि वैष्णव नहीं बन गए। कोई बोला है हम गोड़ी मटर की क्या ना गुरु जी से तिलक बेलाल कहती लेकिन कहते नहीं भक्तिवरण ठाकुर कहते हैं यही तीन लिए वैष्णव पढ़ा मतलब वैष्णव का जो पण है जो वैष्णव है जब तक आप ये तीन ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक आप वैष्णव नहीं बोल सकते हो। इसलिए हमारे गुरुदेव ये तीनों ग्रंथों को गुरुदेव ने प्रकाशित किया है। गुरुदेव ने राधा रानी की तत्व के ऊपर में राधा जी की तत्व के ऊपर में इतने सुंदर गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा बुद्ध रूप में राधा रानी के ग्रंथ और जितने सारे जो तिथियों का उन्होंने लिखे जिसको एक अलग ग्रंथ प्रकाशित हुआ है हमारे मंदिर से। इसलिए मेरे गुरुदेव इतने ग्रंथ प्रकाशित किए इसलिए इनका नाम किया भक्ति स्वरूप सिद्धांती
इसलिए इसके विषय में प्रभुपाद कह कहा करते थे, जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी आप।
आप बिल्कुल बुद्ध कहे बोले मेरे को बोल रहे महाप्रभु तुमसे और कुछ काम है, अभी तुम्हारी काम समाप्त नहीं हुआ, अपना काम तो करके आना, फिर कुछ भी बात नहीं आना। देखो प्रभुपाद की जितने प्रभुपाद का गायन सचमुच से प्रभुपाद का ही जगह है, ये राधा रानी की परिकर है जिसको प्रमाणित होता है, इसको तो ये प्रमाणित होता है जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञा के सब लोग सभी बात जब जाते हैं राधा रानी की कला पाल अपनी टूट गया अपने आप गले से कला टूट गई। इसलिए इन लोगों का जो दिव्य चरित्र है अद्भुत अद्भुत चरित्र है, माता महाराज जी बता रहे थे ना कि मंदिर में जितनी सब मूर्ति है पहले किसे मंदिर में देखा, सबसे पहले मुझे हृदय पर बताया उस समय कोई कोई व्यक्ति हमारे हृदय पर टूटी किया जैसे मानव मंदिर से बात करना है ऐसे मंदिर महारती मंदिर वहां पर बनाए हर मंदिर में मंदिर बनाए है। इसलिए किसने पूछा गुरुदेव को बोले महाराज आप मंदिर खुला कैसे करते हैं, तुमको बता दिए कलयुग आ रहा है, ये कलयुग में कोई किताब भागवत पुराण कोई पढ़ेगा नहीं, ये ग्रंथ को दीपक खाएंगे कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन उल्टा पुल्टा नकल नाटक गंदी गंदी चीज को पढ़ेंगे, लेकिन गीता भागवत कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैंने ये लीला की आपका गुरुदेव सबको नियुक्त किया था जब कोई व्यक्ति आएगा डायरेक्ट बैठा कर कथा सुनाना नहीं सुनेंगे, पर मंदिर उस समय पूरी प्रसिद्ध था चित्र विचित्र बैठे चित्र विचित्र बैठे जाता है वहां रिक्शा वाला मेरे घर करते हुए जो कोई व्यक्ति आएगा बैठे कर कथा सुना तो सुनेगा नहीं चित्र को दिखा देने लगी कथा बनी इसमें महाप्रभु की आज्ञा की महाप्रभु जी को प्रज्ञा कृपा करे जगह माता ये कैसे कृपा महाप्रभु से जी मुझे पढ़ तो परास्त किया हमारे मन में सार दिया बोला अगर तुम दिखा दिला तो कोई हरी कथा बोलते ना लोग आसान से सुन लेते सामने चित्र और हरि कथा। इसलिए बोले इनका कल्याण कैसे होगा कम से कम प्रभु का लीला दर्शन करेंगे करेगा कर। इसलिए मैंने ये कलयुग का जीव का कैसे धीरे धीरे कल्याण हो इसलिए हमने हमने इसलिए हमने लगाए। इसलिए गुरुदेव का बहुत सारे वैशिष्ट है। देखो एक समय देखो शिष्य लोगों को कैसे होनी चाहिए हमारे गुरुदेव एक समय पता होता सुदर्शन दादा जानते सुदर्शन ये सुदर्शन दादा है ना पहले महापुरुष जगह माता ये पंखा ले जाता है चार प्यारे स्त्री महाराज यहाँ पे चार उनकी पत्नियां हैं और देखने में वो जगह से गए वो बड़े इसलिए वो इतने लंबे चौड़े थे सोच नहीं सकते जैसे जगह माता एक महापुरुष उतार दिया हमारे गुरुदेव ने उसको ऐसे उतार दिया चार चार पत्नियां जब ये मांस ये भोजन जब उनको जो मांस चार होता ना एक साथ में चार पांच किलो मांस खा लेता था और शराब पीता था और जब वो जाकर वो दुकान में घुसेगा ना और जितने लोग बैठे हुए पहले छोड़ देंगे वो घर छोड़ देंगे वो जाना छोड़ देंगे क्योंकि शराब मांस खा करके और उसको हमारे कलकत्ता में चार दुकान थी बड़ी बढ़िया दुकान खूब पैसा लग रही जब जाएंगे ना शराब पी करके मांस खा करके टेयर चेपुर लेकर के घुमाना शुरू करता था और उनको रिक्शा वाला था फिक्स उसके बाद में जैसे शराब पी पा करके तो बेहोश रिक्शा वाला लाकर घर में छोड़ देगा उसको पत्नी घर से दरवाजा नहीं खोलेगी वो दरवाजे को बाहर में रात भर कोई पड़ा रहेगा शराब पी घर में लाइन माफ नहीं करेगा पत्नी दरवाजा नहीं खोलती थी इसलिए फिर सवेरे जब उनका नशा उतर जाता था फिर वो दरवाजा खोलता था खोलती थी उनकी पत्नी जो एक बंगाली जो पत्नी थी उड़ीसा में एक पत्नी और दो पाली हुई पत्नी थी हाँ इसलिए क्या हुआ एक दिन उन्हें नवद्वीप में गए हमारे बाग बाजार के बारे में नवद्वीप के मठ में शुद्ध कामकार जो वहां पर गए वहां पर गए तो वहां पर कीर्तन हो रहा था शराब पिए हुए थे आपने ना शराब पिए हुए कीर्तन हो रहे ना बात जिसमें लग जाते हैं प्रार्थना से लगना से कर दिया और हमारे मंदिर में ये देख करके और पैसा वाला तो थे उन्होंने उस समय 100 रुपया निकाल कर दे दिया 100 रुपया कितना 1000 रुपया तो हमारा मंदिर से क्या किया उसको गले में एक सुंदर कागज की माला पहना दिया 100 रुपया तो माला पहना दिया कहानी उसको मैंने भी किया होगा कैसे मैं दिखा मंत्र लूंगा और उसको मुंह से बदबू आ रहा है शराब की बदबू आ रही है बोले दिखा मंत्र लूंगा बोले देखो दिखा तो हमारे बड़े गुरुदेव देते हैं बोले कहाँ दे रहे थे बोले कलकत्ता में 29,000 रोड में वहीं पर गुरु जी रहते हैं वो एड्रेस ले लिया और मुझसे गुरुदेव के पास आए
आप एक बोले हमको दीक्षा मंत्र दो और शराब पी कर आए भूमि से शराब की बदबू और दिखने के काले लंबे चौड़े हाँ गुरुदेव के साथ देखो हरिनाम लेने के लिए दीक्षा मंत्र लेने के कुछ नियम है क्या नियम पहले पहला नंबर था आपको ये चार नियम को पालन करना पड़ेगा मांस मछली अंडा प्याज लहसुन शराब पी गुटका पुटका जितनी सब चीजें छोड़ना है लेकिन देखो क्या कृपा है बोले मेरे जब मेरे पेट में मांस और शराब खाने का समय आता है अगर वो मांस शराब नहीं खाए पेट में दर्द होना शुरू करता है जब तक वो मांस शराब नहीं पेट में भरेगा तो पेट दर्द से ही होगा बोले हमको तो समय होने पर खाना ही पड़ता है नहीं तो पेट में दर्द होगा गुरुदेव ने कहा कोई चिंता नहीं था उसका परिणाम करना और ये चीज को छोड़ दो और आज से पेट में दर्द नहीं होगा और हमें तुम्हें अकेला ये हरिनाम नहीं दे सकता हूँ जब तुम तुम्हारी पत्नी नहीं है क्यों पत्नी घर का खाना खिलाई क्योंकि पहले हमारे गौरी पट में बड़े स्ट्रिक नियम था पत्नी खाना बनाएगी अगर वो दीक्षा मंत्र नहीं मिला तो अधिक तो व्यक्ति का प्रभु कोई नियम नहीं था अधिक जो गला में तुलसी कटे नहीं तिलक नहीं अधिक तो व्यक्ति तुम खाना नहीं खा सकते हो इसलिए बोले तुम्हें अकेला नहीं दे सकता हूँ दे सकता हूँ तुम्हारे पत्नी को साथ में पर पत्नी अगर ये नियम पालन करती है करूंगा बोले ठीक है मैं घर में जाकर पत्नी को पूछता हूँ घर में आज पत्नी को बोले मैं गया था कि साधु के पास में वो कहते हैं अकेले दीक्षा मंत्र नहीं पत्नी को साथ में और उसमें नियम बताए मांस मछली अंडा प्याज लहसुन और चार पांच बीस सिगरेट नहीं खा शराब नहीं उसको पत्नी तो इतनी खुश हो गई इतने प्रसन्न हो गई इच्छा रही थी बोले ये सुना मैं तो सवाल हो गया ये शराब पी कर आता है घर में मारपीट करता है वो तो राजी पहले से राजी हो गए बोले ठीक है मैं भी दीक्षा लूंग लेगी मैं भी दीक्षा लेकर के मैं भी भजन करूंगी फिर दोनों गुरु जी के पास में दोनों आए और दोनों गुरु जी के पास में आकर दीक्षा मंत्र ग्रहण किया आश्चर्य की बात है जो मांस और शराब का समय नहीं खाने पर जो पेट में दर्द होता था जिस दिन उन्होंने हरिनाम दिए क्योंकि प्रभुपाद का गण है तब भी से उनका पेट में दर्द समाप्त और इतने शुद्ध हो गए जैसे रामानुज का कथा आता है ना धनुर्धर ये दूसरा धनुर्धर बन गया इतने सेवा करते थे ये आपने आप इतने सेवा करते थे महाराज कल्पना नहीं कर सकते हो उसका तो बहुत बड़ा दुकान था तेल भाजी का दुकान रोज घर से कितने तरह तरह का पकौड़ा तेल भाजी लेकर रोज मंदिर में आना अब गुरुदेव के लिए गाड़ी उसमें गाड़ी में चढ़ना साधारण बात नहीं हमारे गुरुदेव को लेकर गाड़ी में बैठा प्रचार करना और अपना घर और उनका जो मंदिर है वो कोई अलग नहीं पूरा उन्होंने बेटा बेटी सबको उन्होंने पूरा हरिनाम दिखा देते थे उनका घर इतने पवित्र और मंदिर में इतने जब जगन्नाथपुरी आते थे कलकत्ता से आप सोच नहीं सकते हमारे मंदिर का ब्रह्मचारी तरस थे ये सुदर्शन करने वाले इतने माल मिठाई लाते थे बड़ी सुंदर उसे ब्रह्मचारी तरस थे कब आएंगे और उनके हाथ में पकड़ा और आने पर भैया भैया खाना बनाएंगे जब ये आ जाए ना तो ब्रह्मचारी सन्यास पूछ हो जाते हैं बात अभी भंडारा का भैया भैया खाने मतलब ऐसे ही महाराज ने ऐसे ऐसे जगह बाधा है व्यक्ति जैसे उनको भी कल्याण किया और जो बात बताना चाह रहा था गुरुदेव का जो निर्देश था बिना पूछे मंदिर का बाहर कोई नहीं जा सकता ये हमारे मंत्री गुरुदेव का बड़ा एक अकबर नियम है कहीं अगर जाओ गुरुदेव को पूछ करके जाओ ऐसे नहीं जिसका जो इच्छा इच्छा हो गई मंदिर से बिना पूछे मंदिर से निकले नहीं मथुरा में तो गुरु जी के आदेश से नीचे तला नहीं जा सकते हम लोग भक्तों नारायण जो स्वयं महाराज जब थे नीचे तला के ऊपर तला और नीचे तला नहीं जा सकते धर्म सब नारायण का स्वयं महाराज बस बीच में तो तीर्थ वाला परमात्मा जो पता है कोई उधर तो नहीं जा सकता तो पहले ही तभी तो भजन हो सकता है ना ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ मुंह उठाए जब भाग गए जो हमारे जो सुदर्शन था क्या हुआ पूरी नारायण थे उन्होंने गुरुदेव को बिना बोले हुए देवता गुरुदेव को पता चला ये मेरे को बिना पूछे जगन्नाथ मंदिर में गए जब वो जगन्नाथ मंदिर से आए बोले तो कहाँ गया था बोले जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जगन्नाथ दर्शन हो गया तेरा जगन्नाथ दर्शन हो गया बस दिया आपको बस नहीं है तो किसका आदेश तू लेकर के यहाँ तू गृहस्थ है त्यागियों की बात छोड़ दो देखो उनका क्या है त्यागियों का बात जो गृहस्थ है
तो दर्शन हो गया भगवान दर्शन, वहां पर टेबुल था उसको अंदर घुसाएंगे, घुस जाएगा टेबुल के अंदर घुसाएंगे, काम करो कैसे रहेगा मतलब मेरे पास उनको मतलब इतने कड़क थे बोले जब तक गुरु जी का आदेश नहीं हो ऐसे नहीं, जब इच्छा हुई तब मुंह उठा करके इधर उधर चलेंगे, एकदम नहीं था इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी बाहर देते दर्द देते थे ऐसे जगह में आता है, इसलिए इनकी अद्भुत अद्भुत शिक्षा है भगवान ज्यादा मतलब साफ सुथरा बनाएंगे, इसलिए हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं वे हम सब को ऊपर कृपा करें, उनका भजन आदर्श शिक्षा के अनुरूप अपना जीवन को हम बिता कर दिए, हम गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए जीवन को बिता दें, ये हमारी उनके चरण में प्रार्थना है। बच्चा लोग दर्शन करो।